Hey guys, this side CS Ramandeep Singh. Guys, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसा आप लोग जानते हैं कि लॉटरी ट्रांजेक्शंस और किसी भी तरीके का सट्टा जो हम लोग इंडिया में लगाते हैं वो इलीगल है एज पर सेक्शन 294A ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि सर ये जो ड्रीम इलेवन टीम है और ये जो फैंटेसी गेम्स अलग अलग जो सोशल मीडिया पे प्रमोट होती हैं आजकल, क्या वो इलीगल नहीं है? तो इसका आंसर सेक्शन 294A से ही निकलता है. वहां पे क्या लिखा हुआ है कि लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज. तो इस वजह से लॉटरी वगैरह ट्रांजेक्शन सट्टा इलीगल माना जाता है क्योंकि वो गेम ऑफ चांस है, तुक्का लगता है, कोई स्किल और नॉलेज बेस नहीं है. और इसी के लिए ना एक केस फाइल किया गया था दिवेश संखला नाम के बंदे ने हाई कोर्ट के अंदर इन ड्रीम इलेवन वालों के ऊपर और फैंटेसी गेम्स के ऊपर कि इसको इंडिया में बंद कराया जाए, ये भी तो इलीगल है. लेकिन राजस्थान कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि जो ड्रीम इलेवन है वो खाली तुक्का बेस नहीं है, खाली उसमें स्किल और नॉलेज भी लगती है, वो खाली गेम ऑफ चांस नहीं है. और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि ड्रीम इलेवन इंडिया में अलाउड है. हालांकि सच्चाई है कि इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्योंकि सरकार को उसके ऊपर बहुत हाई टैक्स रेट भी मिलता है. लेकिन स्टिल आपको आपका जवाब मिल गया कि हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट करा, राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2020 के अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि जो ये ड्रीम इलेवन वगैरह है ये खाली गेम ऑफ चांस नहीं है, यहाँ पे स्किल और नॉलेज भी लगती है, तो इसलिए इलीगल नहीं. थैंक्स फॉर हॉट बॉय, लव यू ऑल, टाटा.